हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन अवर चैनल द न्यू इमेजनर्स। ओके गाइस, हम बात करेंगे आज ऑटोकैड में। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में हमने यूज़ की थी कमांड्स, कुछ बेसिक कमांड्स हमने क्लियर की थी। एंड उसके बाद हमने कॉपी, रोटेट, मिरर, लाइन, सर्कल, तो ट्रिम हो गया, एक्सटेंड हो गया, ये कमांड्स हमने यूज़ की थी एक ग्रिल डिज़ाइन में। ओके नेक्स्ट, आज हम बात करेंगे। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो है, एक हमारे पास सोफ़ा टाइप है, सोफ़ा का फ्रंट एलिवेशंस। ओके तो उसमें हमारे पास ऑफसेट कमांड होगी, आर कमांड यूज़ होगी, एंड मिरर यूज़ करेंगे हम। एंड आर की जो टाइप्स रहेंगी वो हम यूज़ करेंगे उसमें, ऑफसेट कमांड हो गया। ओके तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे कलर वाइज वर्क करना चाहते हैं, कोई भी आप कलर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ से थिकनेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो यहाँ से। ओके तो गाइस, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जो हमारे पास कमांड होती है, और हम पहले भी बात कर चुके हैं, जितना आप ट्राई कर सकते हो आप शॉर्टकट्स यूज़ करो। तो हमारे पास फर्स्ट होती है लाइन कमांड। लाइन कमांड पे हम एल एंटर टाइप करते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं लेंथ ले रहा हूँ 10। ओके अगेन लेंथ, हाइट जो है हमारे पास यहाँ पे 50। ओके एल एंटर, तो ये हमारे पास लाइन हो गई। अगर मुझे इसका फुट बनाना हो, एल एंटर, तो हम 2 की लेंथ इस साइड एंड 2 हाइट, फिर 6 की लेंथ एंड 2, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन गया ये, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। ओके गाइज, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हमने सोफ़ा की एज्यूम कर ली 150। ओके तो ये हमारे पास 150 लेंथ आ गई। ओके इसके बाद हम बात करेंगे ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट कमांड हमारे पास, ऑफसेट आपने सर्वे में भी पढ़ा होगा पहले, ठीक है। ऑफसेट होता है जो हम डिस्टेंस लेते हैं, कोई भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लाइन का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए, सर्कल बना हुआ है या रेक्टेंगल बना हुआ है, आप उसको ऑफसेट दे दोगे 10 का, 20 का, जो भी आप उसमें डिस्टेंस फिल करोगे उतने उतने डिस्टेंस पे वो उसके ऑफसेट अप्लाई होते जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फिलहाल 10 का ऑफसेट लगाऊँ तो आप चेक करोगे 10 का ऑफसेट इस पर अप्लाई हो गया। उसके बाद आप इसको बेस को इरेज कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑफसेट अलग से दे सकते हो, 20 का ऑफसेट, 20 का ऑफसेट। ओके अगेन 12 का ऑफसेट, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से बन गया। ओके गाइज, तो यहाँ पे अगर हम आर्क यूज़ करते हैं, आर्क में हमारे पास स्टार्ट एंड डायरेक्शन हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड डायरेक्शन, तो आप चेक करोगे ये कुछ इस टाइप से बन गया। ओके अगेन हम यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, हाइट कितनी 18, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से बन गया। और गाइज, अगर मुझे ये सेम इस साइड बनाना है तो मैं इसको मिरर कर लूँगा, क्योंकि अगर मैं दोबारा बनाऊँगा टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसको यहाँ से मिरर कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ओके तो ये हमारे पास रेडी हो गया यहाँ पे सोफ़ा का फ्रंट हाफ जो बन गया। ओके ये हमारे पास सीटिंग बन जाएगी। ओके तो यहाँ पे हम लाइन लेंगे एक मिड पॉइंट से, हाइट 70। ओके इसको हम ऑफसेट दे सकते हैं यहाँ पे 25, 25 का, तो हमने 25 इधर दे दिया, एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, एंड मिडल लाइन को आप इरेज कर दो, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से रेडी हो गया है। ओके अगेन आप आर्क यूज़ करेंगे, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंगल, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, एंगल कितना है यहाँ पे, हम 60 का एंगल हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन हमारे पास आर्क के स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंगल 90 डिग्री, और इसको हम मिरर कर सकते हैं, एम आई एंटर, मिरर कमांड है हमारे पास। और मिरर करते टाइम हमेशा आपने ऑर्थो ऑन रखना है, तब हमारा स्ट्रेट मिरर लगता है, अदरवाइज़ आप ऑर्थो अगर आपके पास ऑफ होगा तो ये एक किसी भी डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल आप ऐसा देख सकते हो कि ये एक टाइप का रोटेट हो रहा है। ओके तो ये रोटेट होगा, फिर तो ऑर्थो आपने क्लिक किया यहाँ पे एंड मिरर, तो एग्जैक्ट मिरर हो गया ये, आप चेक कर सकते हो यहाँ से। ओके नेक्स्ट जो हमारे पास स्टार्ट एंड एंगल, तो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड एंगल हमारे पास यहाँ पे 27 डिग्री। ओके तो आप यहाँ पे अब
बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी सी ओ एंटर, आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तीन मेरे पास जो आरकानी थी तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो यहाँ से हम इरेज कर सकते हैं इसको। तो आप चेक करोगे ये आपके पास कुछ इस टाइप से आ गया। तो गाइस इसमें हमारे पास जो था मीटर कमांड यूज़ हुई, आर्क कमांड यूज़ हुई, एंड आर्क में हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टार्ट एंड डायरेक्शन हमने यूज़ की, स्टार्ट एंड एंगल हमने यूज़ किया, ओके ऑफसेट कमांड हमने यूज़ की, लाइन कमांड हमने यूज़ की, एक हमारे पास ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट कमांड GRA एंटर। अगर आप यहाँ पे कोई कलर फिल करना चाहते हैं, ग्रेडियंट में हमारे पास कलर्स होते हैं, सपोज करो आप यहाँ से सेलेक्ट कलर, कलेक्ट कलर आप बना भी सकते हैं अपनी तरफ से, ओके तो यहाँ पे आप कोई भी कलर का एक मिक्सचर बना सकते हैं, ओके फर्स्ट कलर आपने अलग से कर लिया, सेकंड कलर आप अलग से ले सकते हो या सेम भी रख सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। थोड़ा सा अलग लेना चाहते हो तो आप ओके कर सकते हो, यहाँ से आप चेक करोगे तो इनमें से आप कोई भी ग्रेडियंट एक अप्लाई कर सकते हो, ओके तो यहाँ से हम जैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कुछ इस टाइप से हमारे पास बन गया। बट अगर हम यहाँ पे कुछ और ट्राई करें, मैं इसको इरेज करता हूँ, तो हम यहाँ से ग्रेडियंट का शॉर्टकट होता है GRA एंटर, ग्रेडियंट ओके, तो हम यहाँ पे इस पोर्शन पे हम तो गाइस यहाँ पे हमने अलग से ग्रेडियंट ले लिया, एंड इसका जो बैक पोर्शन है इसको हम अलग से ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं, तो इसको हम कोई भी आप कलर ले लो, तो यहाँ से आप कुछ इस टाइप से ले लोगे, तो आप चेक कर सकते हो ये हमारे पास एक डिफरेंस आ गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये इसकी बैक आ गई और ये हमारे पास सीटिंग है इसकी, क्योंकि ये इसकी साइड पोजिशन है, तो ये हमारे पास सोफ़ा का फ्रंट एलिवेशन 2D में तैयार हो गया है। तो ओके गाइस थैंक यू, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी न्यू ड्राइंग के साथ, ओके जिसमें हमारी नेक्स्ट कोई कमांड्स कंप्लीट हो जाएं, ओके।